अवेलेबल अप्रेटस बहुत कम अप्रेटिस की ज़रूरत इसके लिए होगी कैलिब्रेशन की रिक्वायरमेंट यानी सिर्फ बैलेंस को कैलिब्रेट करके क्योंकि हमें वेइंग के ज़रिए डिफरेंस मालूम करना है इसके अलावा और किसी मेन अप्रेटस की इवन वॉलीटिक अप्रेटसिस की भी हमें ज़रूरत नहीं होगी कि उनको कैलिब्रेट किया जाए स्लो लेकिन एक्यूरेट मेथड है और वाइड रेंज ऑफ एनोलाइट कंसनट्रेशन कैन बी कवर्ड विद दिस मेथड यानी नैनोग्राम से लेकर किलोग्राम ऑफ़ सैंपल्स भी हों या एनालाइट की कंसंट्रेशन अगर इस वाइड रेंज में भी फॉल कर रही है तो हम उसकी भी एस्टिमेशन कर सकते हैं एनालिसिस तीन तरह की एनालिसिस है। एक को प्रेसिपिटेटिव ग्रेविमेट्री कह रहे हैं एक को हम वोलाटाइजेशन ग्रेविमेट्री और एक अलैक्ट्रो ग्रेविमेट्री तीनों किस्म की ग्रेविमेट्री में हम अपने एनालाइट को केमिकली ट्रांसफॉर्म करेंगे अगर वो प्रेसिपिटेट आउट होने के काबिल हो यानी प्रेसिपिटेशन हो जाए केमिकल कंपोजिशन इस तरह चेंज हो जाए कि हमारे पहला सॉलेबल मटेरियल अपने उस सॉल्वेंट के अंदर सॉलेबल ना रहे और प्रेसिपिटेट आउट हो जाए तो इसे प्रेसिपिटेटिव ग्रेविमेट्री कहेंगे अगर हम उसको गैसिस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करें आ, अपने एनालाइट को किसी केमिकल मेथड के ज़रिए और नॉन केमिकल कंपोजिशन में जो चीज़ें बाकी रह जाएंगी उसको बाई वेंग हम डिफरेंस मालूम कर सकते हैं कि एनोलाइट कितना इसमें से एवेपरेट हुआ है इस तरह इलेक्ट्रोग्रेविमीट्री जैसे एलेक्ट्रोलेट्रिक सोलूशनस के अंदर हम परफॉर्म करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है तो में मेंट्रोलिस के ज़रिए हम अपने कंपाउंड या एनोलाइट को अलग करने की काविश करेंगे और इलेक्ट्रोग्रेवीमीट्री के ज़रिए भी एनोलाइट निकालने के बाद जो कुछ बाकी रह जाएगा उसकी कंसंट्रेशन या डिफरेंस मालूम करके हम एनालाइट की कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं इन तीनों टेक्निक्स में प्रेसिपिटेटिव ग्रेविमीट्री को हम इन स्लाइड्स के अंदर ख़ास तौर पर डिस्कस करेंगे यानी हम कंपाउंड की केमिकल कंपोजिशन वेरी करके चेंज करने के बाद उसको प्रेसिपिटेट आउट करने की एक्टिविटी कर रहे हैं इस बात को हम इन स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे एनालाइट इज़ कन्वर्टेड टू ए स्परिंगली सोलबल प्रेसिपिटेट सोलबल यानी बहुत ज़्यादा सोलबल नहीं है उसकी सॉलेबलिटी कम हो गई है अब सोलबलिटी कम होने की डेफिनेटली केमिस्ट्री के साथ ताल्लुक है हम ये जानते हैं कि लाइक डिजॉल्व लाइक एक जैसे मोलिक्यूल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक में सोलबल होते हैं इनआनिक इनऑर्गेनिक के अंदर सॉलेबल होते हैं अगर हम वाटर के अंदर एनालिसिस कर रहे हैं वाटर हमारा मीडियम है और हम अपने कम्पाउंड को किसी ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स uh, के साथ कॉम्प्लेक्सेशन कर लेते हैं ग्रैप कर लेते हैं तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा सोलबल होगा और हमारे वाटर बेस्ड सॉल्यूशन के अंदर उसकी सोलबलिटी पोर हो जाएगी इस एक्टिविटी से हम उसको प्रेसिपिटेट आउट करने पर मजबूर कर देंगे देन लाइट इज़ कन्वर्टेड टू स्पेरिंगली सोलबल प्रेसिपिटेट विच आर देन फिल्टर्ड वॉश्ड ताकि उन्हें एम्प्योरिटीज़ से फ्री किया जाए जो चीज़ें इम्प्योरिटी हैं वो सारी की सारी हमारी सोल्यूशन में सॉलोबल रहेंगी सिर्फ एनालाइट ऐसी चीज़ होगी जो उसमें प्रेसटेटा प्रेसटेट आउट हो जाएगा दैन कन्वर्टेड टू ए प्रोडक्ट ऑफ नोन कंपोजिशन बाई सूटेबल हीट ट्रीटमेंट इस हीट ट्रीटमेंट को हम इन मैथड्स के अंदर डाइजेशन का नाम भी देते हैं डायजेशन आमतौर पर तो कंपाउंड का मुकम्मल डाइजेस्ट करने को भी कहते हैं लेकिन एनालिसिस में हीट ट्रीटमेंट को भी डाइजेशन कहते हैं एंड वेट फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैथड हम तस्करा करते हैं जैसे कैल्शियम के एनालिसिस अगर हम नेचुरल वाटर के अंदर करना चाह रहे हैं तो ये मैथड जो नीचे दिया गया है ए प्रसपटेशन मैथड फॉर डिटर्मिनंग कैल्शियम इन नेचुरल वाटर्स द रेक्शनज़ आर कि हम अमोनिया को ऑगजालिक एसिड के साथ ट्रीट कर रहे हैं और इसके जवाब में अमोनियम ऑगजिलेट बनेगा इस तरह कैल्शियम जो हमारा एनालाइट है कैनला कैल्शियम जब इसी ऑगजलेट के साथ रैक्शन करेगा तो कैल्शियम ऑक्सलेट में चेंज होगा और ये सॉलिड मटेरियल प्रेसिपिटेट आउट होकर इस रैक्शन uh, स्कीम से निकल जाएगा द प्रेसिपिटेट्स आर फिल्टर्ड यूजिंग ए वेड फिल्टरिंग क्रूसिबल यानी हमने एक क्रोसीबल को पहले से वे किया हुआ है प्री वेड क्रूसिबल प्रेसिपिटेट आ जाने के बाद हम उनको दोबारा वे करेंगे देन ड्राइड एंड इग्नाइटेड टू कन्वर्ट टू प्रेसिपिटेट कैल्शियम ऑक्साइड इग्निशन बेसिकली हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं ऑक्साइड्स में चेंज करने के लिए कर रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्जिलेट को हीट करने से वो कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन मोनऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों चीज़ें गैसिस फॉर्म में अवेपरेट हो जाएंगी सिर्फ हमारा कैल्शियम ऑक्साइड रह जाएगा और क्वांटिटेटिवली हम इसको एस्टिमेट करके आफ्टर कूलिंग द क्रूसिबल एंड पेस्टरेट आर वेट एंड द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज डिटर्मेंड बाय सब्सट्रैक्टिंग द नोन मास ऑफ क्रूसिबल द कैल्शियम कॉन्टेंट ऑफ दैम्पल इज़ एन कम्प्यूटेड कि हम कैल्शियम ऑक्साइड में से कैल्शियम में मकदार बहुत आराम से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं यानी इस डिस्कशन से हमें समझ में आया कि वो स्टेप्स जो ग्रेविमीटी के एनालिस के लिए या प्रसपिटेटिव ग्रेविमीटी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं कि प्रप्रेशन ऑफ सोलूशन दैन प्रसपटेशन डाइजेशन जैसे हमने तस्करा किया कि ये हीटिंग है जिसके ज़रिए हम बाज़ात कैमिकल कंपोजिशन को खास बनाना चाहते हैं बाज़त को एगोलेशन करने के लिए भी इस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं फिल्टरिंग वॉशिंग इग्नाइट या ड्राइंग और उसके बाद हम वइंग करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा प्रेसिपिटेटिव ग्रेविमिटी का मेथड है